हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 यहाँ पर ग्यारह में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज से आगा हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट

तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रंझना देखने को मिलेगी वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्योरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ब्रह्म क्रिएशन और संजय सिंह फिल्म और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शंस आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु बैट्ज मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वर्ड मानू के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगा हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी या ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कास्टिंग की के इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे जिमी शेरगिल डोबरियाल इजाज खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज़ में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रंझना देखने को मिलेगी वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्हज क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड प्रोडक्शंस आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मर्तबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु बेड्स मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक like यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देख देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी या रोमांटिक है, है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल इजाज खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रंझना देखने को मिलेगी वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होने ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 फाइव परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रमहंज क्रिएशन और संजय सिंह फिल्म और उसी के साथ साथ साउंड प्रोडक्शंस आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हजार यहाँ पर 11 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से गाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक, एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे, मिलेंगे। यहाँ पर, सारी सारी पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रंझना देखने को मिलेगी वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्योरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होने ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स पॉइंट एट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 फाइव परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को परम्हंज क्रिएशन और संजय सिंह फिल्म और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शंस आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनू वर्ड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी या ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट

तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्योरेशन कितनी है एंड आई रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होने ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 फाइव परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्हज क्रिएशन और संजय सिंह फिल्म और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वर्ड्स मानू के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी या ड्रामेटिकल है रोमांटिक है, है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर्माधवन देखने को को देखने देखने मिलेंगे, मिलेंगे, कंगना रनावत देखने को मिलेंगे, जिम्मी इजाज खान और सवारा प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात कि डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होने ही चाहिए उसी के साथ अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 फाइव परसेंट तक गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो

प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु बेड मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी

गा हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल डोबरियाल इजाज खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज़ में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रंझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टेनू मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्योरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 फाइव परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रमहंज क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ-साथ साउंड्रिया प्रोडक्शंस आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मर्तबा तो आप लोगों को इसे لازمی से एंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हजार यहाँ पर 11 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देख खने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है है, रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल डोबरियाल इजाज खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 फाइव परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ब्रह्मांड क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ-साथ साउंड्रिया प्रोडक्शंस आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मर्तबा तो आप लोगों को इसे لازمی से एंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है ये कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की को सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि मूवी मूवी जो है 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 वो किस तरह की बनाई गई इसका क्या है? हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या यह एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है? 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 है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रणावत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल इजाज खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्ह क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वर्ड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी या ड्रामेटिकल है रोमांटिक है, है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कास्टिंग की के इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल डोबरियाल इजाज़ खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज़ में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रमहंस क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हजार यहाँ पर ग्यारह में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आ गा हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज कि इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीनज इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी या ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल इजाज खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनके पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्हन क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि मूवी मूवी जो है 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 वो किस तरह की बनाई गई है? इसका क्या है? हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है, है? रोमांटिक मूवी है? 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 है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल इजाज खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्हन क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 यहाँ पर ग्यारह में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी या ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रानवत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल इजाज खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्हनज क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु बेड मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से गाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी या ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल डोबरियाल इजाज़ खान और सवारा भास्कर आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया

काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर RDB ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्हज क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हजार यहाँ पर 11 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीनज इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को आर माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रानावत देखने को मिलेंगे जिम्मी शेरगिल इजाज खान और सवारा भास्कर आप लोगों को को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे अंदाज में यहां पर सारी की सारी मूवी की यहाँ पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रमहंस क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी movie. तनु वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को सबसे पहले अगर पर हम लोग बात करें कि मूवी मूवी जो है है वो किस तरह की बनाई गई इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है रोमांटिक मूवी है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे, मिलेंगे। यहाँ पर, सारी सारी पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर RDB ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्हन क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी movie तनू वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को माधवन देखने को मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। यहाँ पर, सारी सारी पर लीड रोल को बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टनू वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक like किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ब्रह्मज क्रिएशन और संजय सिंह फिल्म और उसी के साथ साथ, साथ, साथ आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हजार यहाँ पर 11 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मीनज इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट

तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी टन मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टेनू वर्ड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग ईजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्ह क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के

इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी movie तनु वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो वीडियो को सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है रोमांटिक वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट

तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर टनू वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 फाइव परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली आर डी बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रम्हांज क्रिएशंस और संजय सिंह फिल्म्स और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मनु को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एट लीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2000 हज़ार यहाँ पर 11 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तनु वेड्स मनु के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी से लाजमी से इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि कोई भी इस चीज़ से आगाह हो तो आप लोगों को भी पता हो कि हाँ भाई वो मैंने ही शेयर की थी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी जो है वो किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है रोमांटिक है किस तरह की है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एंड ये बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाली है तो ये मूवी आप लोगों को रोमांस प्रोवाइड करेगी कॉमेडी प्रोवाइड करेगी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखा गया है एंड मेरे हिसाब से तो इसे लिटरली आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड बहुत अच्छे अंदाज़ में ये प्ले भी की गई है मूवी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी स्टार कास्ट में आप लोगों को माधवन देखने को मिलेंगे कंगना रनावत देखने को मिलेंगे, जिम्मी इजाज खान और सवारा बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है आनंद एल राय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनकी पास मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रानझना देखने को मिलेगी वेड्स मनु थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक उसी के साथ साथ यहाँ पर वेड्स मनु के साथ साथ जीरो अतरंगी रे रक्षाबंधन ऐसी मूवीज़ उन्होंने ही दी हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को तो मैंने बता दिया लेकिन लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग ईजीली फ्री में अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को लाजमी से इन्जॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कितनी है तो यहाँ पर 75 परसेंट तक इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से लाइक किया गया अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की तो हिमांशु शर्मा ने स्टोरी लाइन को लिखा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को विनोद बच्चन एंड शैलेश आर सिंह देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो चिरंतन दास देखने को मिलेंगे एडिटिंग में हेमल कोठारी देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो सॉन्ग्स एंड बीजीएम को यहाँ पर कुली बी ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को प्रमहंज क्रिएशन और संजय सिंह फिल्म और उसी के साथ साथ साउंड्रिया प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है एटलीस्ट एटलीस्ट एक मरतबा तो आप लोगों को इसे लाजमी से इंजॉय करना चाहिए